किसान भाइयों नमस्कार। इस समय हम हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला के देश के, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, सबसे बड़े गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हूँ। और हमारे साथ हैं जिनको किसी भी तरह की अपनी इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। आप निदेशक हैं गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के और हाल ही में साहब को वीट मैन ऑफ इंडिया, गेहूं का सम्राट कहें या गेहूं का बादशाह कहें, रिसर्च के फ्रंट पे, शोध के ऊपर उनको इस खिताब से नवाजा गया है। तो सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपने समय दिया है। किसान भाई बहुत चाहत में रखते हैं आपको, अक्सर आपकी बातचीत होती रहती है, तो हमने कहा आज आपसे भरपूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि गेहूँ में आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भी रहे हैं उच्च पद पे, तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी जो प्रजातियाँ हैं गेहूँ की, उनका जो है निकाला है या उन पे काम किया है एज ए टीम मेंबर? वर्ष 1995 से मैं गेहूं के क्षेत्र में कार्यरत हूं और जैसा आपने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में करीब 16 वर्षों तक रहा है और अभी तक जो गेहूं के क्षेत्र में करीब करीब 54 किस्मों का हमने विमोचन किया है किसानों के लिए। और इन किस्मों में आप प्रमुख तौर पर मान सकते हैं कि जो आज भारत के किसानों के मध्य जो सबसे बेहतरीन किस्में हैं, जैसे HD 2967, 3086, DBW 187, DBW 222, DBW 303 समेत अन्य सभी किस्में जो किसानों के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित हैं, उनका निर्माण हमारे टीम के द्वारा और हमारे निर्देशन में हुआ है। तो मेरा सौभाग्य है कि गेहूं जैसी फसल में मुझे कार्य करने का अवसर मिला और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं जिनकी वजह से मैं गेहूँ में कार्य कर पाया। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी बात हमने सुनी उनसे कि HD 2967 2967, ये जो किस्म है, इसने भी अपना राज किया है देश में और अभी भी ये काफ़ी चाहत में है लोगों के, और HD 3086, इन दोनों ही किस्मों के जनक टीम में जो टीम रही है, जिन्होंने इजाद की है ये दोनों किस्में, उसमें साहब ने काम किया है साथ में, और अब निदेशक होते हुए इनकी देख रेख में जो किस्म उतारी गई है पिछले साल, उसका नाम है DBW 187। सर, ये किस्म जो है ये तो निकाली गई थी पहले तो पूर्व उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लिए, और इस साल आपने ये उत्तर भारत, पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के लिए निकाल दी है, तो ये उतनी पैदावारी देगी, ऐसा किसानों का कुछ है प्रश्न? देखिए, जब ये DBW 187 हमने गंगा के पूर्वी भागों के लिए विमोचित किया था तो ये काफ़ी प्रचलित रही, लेकिन जब हमने इस किस्म को देखा तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये किस्म जितनी अच्छा प्रदर्शन पूर्वी गंगा के मैदानों में दे सकती है, उससे कहीं बेहतरीन इसका उत्पादन पश्चिमी भागों में भी होगा। तो इसके लिए एक ट्रायल और एक प्रस्ताव भारत सरकार के सम्मुख हमने प्रस्तुत किया और मुझे बड़ा हर्ष है कि उसको भारत सरकार ने मानते हुए इस किस्म को पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए विमोचित किया है, रिलीज किया है, और आज किसानों के मध्य मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नंबर एक किस्म के तौर पे अपने आप को स्थापित करने में सफल रही है। अभी बोला साहब ने कि DBW 187 नंबर एक पर आने की उम्मीद में है और पिछले साल इसने उत्तरी भारत में 30 क्विंटल एक एकड़ की पैदावारी दी थी और कुछ लोगों को पिछले साल यहाँ मिला होता है हर साल बीज दिवस, इस वक्त कोविड के चलते नहीं मनाया गया, तो इन्होंने किट दी थी, तो हमारे पास कई तरह के आंकड़े आए हैं। ये 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावारी दे गई है, हालांकि मौसम ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा, पिछली बार बारिश हो गई थी, दाना भी हल्का सा पिचक गया था। सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ये भी है कि आप DBW 222 को भी रिलीज़ कर रहे हैं, तो 222 और 187 की तुलनात्मक अगर आप कोई बात करना चाहें किसानों से साझा तो वो भी बताइए। देखिए, जो DBW 187 है और DBW 222 है, उनमें प्रमुख अंतर मैं जैसा मानता हूँ
वो ये है कि DBW 187 इस मामले में स्ट्रेस्ड है कि उसको किसान भाई जब चाहे तब लगा सकते हैं, यानी अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर तक उसकी प्लांटिंग करेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। जबकि जो DBW 222 किस्म है वो हमारे किसान भाइयों को पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए जारी की गई है और उसके बोने का समय एक निश्चित है, 15 नवंबर तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए, तभी इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों किस्में एक जैसी हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है जो DBW 187 में हमें मिल जाती है जो 222 में नहीं मिल पाती है, हालांकि उत्पादन दोनों का एक सा है। और जब अक्टूबर के माह में हमने DBW 187 की बुआई की है तो इसका जो पैदावार है किसानों के खेत पे भी और हमारे प्रशिक्षण जो हमारे प्रक्षेत्र में भी इसका उत्पादन 100 क्विंटल तक हमने प्राप्त किया है। अच्छा। और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने किसानों को, जैसा आपने कहा, किट दिया था, वहाँ पे भी कई किसानों ने 99 क्विंटल 92 क्विंटल, मतलब आप ये समझें कि 75 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल के बीच में इसका उत्पादन अक्टूबर के माह में बुआई पे हुआ था। सर, बहुत हर्ष की बात है, जानने में आया है कि आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में हाल ही में गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, जिसके आप निदेशक हैं, आप DBW 303 भी उतारने जा रहे हैं और शायद उसका ट्रायल भी इस साल देंगे आप लार्ज स्केल में किसानों को। तो ये किस्म DBW 187 और 222 की तुलना में कैसे आंकते हैं आप? देखिए, पिछले कई दिनों से हमारे परिषद में इस बात की चर्चा हो रही थी कि विदेशों में भारत जो उत्पादकता है गेहूं की, उसके मुकाबले में हमारा उत्पादन थोड़ा कम होता है। हालांकि मैं इसको सही नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अवधि है विदेश के मुकाबले में हमारे यहाँ कम है, लेकिन कई बार हमको ये चैलेंज मिला कि 8 टन की किस्म का निर्माण इस देश में होना चाहिए। तो पिछले 2 वर्षों से एक ट्रायल जो 8 टन के लिए शुरू किया गया था, जिसको हम हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल कहते थे, जो अक्टूबर माह में बिजाई करके जिसमें हमने उत्पादन देखने का प्रयास किया, उसमें जो 3 किस्में थीं वो सफल रही हैं, जिसमें DBW 303 है, DBW 187 है और WH 1270 जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की एक किस्म है। ये तीनों का जो वर्कशॉप जो हमारी होती है उसमें रिकमेंडेशन हो गया है और इसका प्रस्ताव भारत सरकार के सामने विचाराधीन है। अब किसानों के मध्य ये सवाल हो सकता है कि जो 3 किस्में हैं उनमें क्या अंतर है, जैसा आपने भी कहा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि DBW 303 आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है, बहुत और इसका जो औसत उत्पादन हमें प्राप्त हुआ है वो 81.5 क्विंटल का मिला है 2 वर्षों में, जबकि जो हमारी 1270 और 187 है उसका औसत उत्पादन 76 क्विंटल के आसपास आया है। हालांकि उनका भी जो अनुवांशिक क्षमता है वो 100 क्विंटल के आसपास है, लेकिन अगर 2 वर्षों के औसत की बात करें तो वो 75 से 76 के मध्य है, जबकि इसका 81 क्विंटल है। तो ये फर्क है बेसिकली। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ आज डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी से मिलके, कि उन्होंने बहुत ही उम्मीद जताई है किसानों के लिए कि DBW 187, DBW 222 ये किस्में तो हाथ में बहुत जल्द किसानों के आ ही रही हैं, 1-2 साल में DBW 303 भी आ जाएगी। और उन्होंने अभी बोला कि 82.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देने वाली, सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाली ये किस्म है, इसको भी ये बहुत जल्द देंगे। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने व्यस्त होते हुए भी हमारे लिए, किसानों के लिए समय निकाला। आप संस्थान में कभी भी आ सकते हैं, निस्वार्थ हमेशा किसानों के लिए काम करते रहते हैं ये और इनकी टीम। मैं चाहता हूँ कि किसानों के यहाँ नई नई किस्में आए जिनमें रोग प्रतिरोधता तो ज़्यादा है ही है, पैदावार भी ज़्यादा होगी, उनसे किसानों को होगा आर्थिक लाभ। और इनकी जितनी भी किस्में हैं मैंने उनको देखा है, उसमें लंबाई इतनी अच्छी है, गिरती नहीं है, तो उससे गेहूं का भूसा भी ज़्यादा प्राप्त होने पर गायों भैंसों को खिलाने के लिए भी उनको दूसरी तरफ से भी लाभ होगा। सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, नमस्कार।